माँ के वजूद को दुनिया का कोई शख्स नहीं नकार सकता। चाहे संतरी हो या मंत्री, माँ की नजरों में वो सिर्फ बेटा या बेटी की हैसियत रखता है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले की परवरिश में उनकी माता हौसाबाई बंडू आठवले का अद्भुत योगदान रहा है। बहुत ही कम उम्र में रामदास आठवले के सिर से पिता का साया उठ गया था। तब माता हौसाबाई ने खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे का लालन पालन किया और इस लायक बनाया कि आज वो मोदी सरकार में मंत्री के तौर पर काबिज है। माता के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में एक मार्मिक आयोजन रखा गया, जिसका आयोजन आरपीआई महिला अघाड़ी की उपाध्यक्ष गीता कपूर ने किया। आयोजन तो मैंने किया था इस प्रोग्राम का, और ये मेरे दो भाई जैसे प्रशांत मोरे जी है, बहुत अच्छे कवि है, और चंदू भाई जगताप, हम लोग तीनों मिलके ये आयोजन किया ये प्रोग्राम का। कि सांप का सत्कार तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, लेकिन सांप किसके वजह से है, आज माँ है करके सांप है, तो माँ का महत्व क्या है? अगर माँ ही ना होती तो हमारे सांप भी नहीं होते। माँ के वजह से सांप यहाँ पर है और दुनिया की सेवा करे, उसका पूरा शैर्य जो माँ को जाता है। तो हमने सोचा कि एक माँ के इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम आयोजन करें, और इस तरीके से हमने प्रोग्राम आयोजन किया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक माँ का सत्कार, यानी हर माँ का सत्कार है ये, आठवले साहब की माँ का सत्कार, इसके बाद हर माँ का सत्कार है, ये हमारा प्रोग्राम है। आज की पीढ़ी की हम बात करें तो आज की जो पीढ़ी है वो माँ बाप के प्रति वो संस्कार नहीं दिखा पाती है। नहीं दिखा नहीं पाती, तो उनको क्या बोलते हैं कि आज की पीढ़ी देखना चाहिए कि माँ का महत्व क्या होता है, और हर बच्चा अपनी माँ की इज्जत करे तो ही भगवान से पहले अपने माँ बाप के चरण छुए, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। जो माँ की सेवा करता है जिंदगी भर आगे रहता है, ये मैं बोलूंगी। प्रख्यात कवि प्रशांत माने के गीतों को सीडी में पिरोने के बाद उसका विधिवत लोकार्पण किया गया, जहाँ अनेक गणमान्य अतिथियों के बीच हौसाबाई के पुत्र रामदास आठवले ने बेहद भावुक होकर अपने दिल की बात की। आई एक महाकाव्य कार्यक्रम होता है भव्य, आणि आपण सर्वजण आमचे महादेव जानकर निमंत्रण असता, जे त्यांची आई मुळ ते मोठे झाले मंत्रीपदापर्यंत पोचले, मी सुद्धा माझ्या आई मुळ मंत्रीपदापर्यंत पोचलो, आणि महादेव जानकर हे मंत्री आहेत, कॅबिनेट मंत्री आहेत, त्या या कार्यक्रमाचं निमंत्रण नव्हतं, त्यामध्ये नाव नाही, तरी आईवर असलेल्या प्रेमापोटी खेड्यामध्ये काबाड कष्ट करणाऱ्या ज्या आपल्या आया आहेत, त्या आयांनी केलेलं काबाड कष्ट, आपण एकूण उपाशी राहून आपल्या मुलांना पोटभर खायला देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या अनेक आया, आणि म्हणून महादेव जानकर या ठिकाणी आले। बतौर अतिथी महाराष्ट्र सरकार के कॅबिनेट मंत्री महादेव जानकर ने भी हौसाबाई का सम्मान किया और अपने मन की बात सामने रखी। माझ्या आईची व्यथा आहे तीच हौसाबाईची व्यथा आहे, ते ऐकण्यासाठी मी इथं आलो आहे। बांधवांनो, आठवले साहेबांचा सत्कार होत असेल, माझा सत्कार होत असेल, मातेकर साहेब किंवा गौतम सोनवणे साहेब, परंतु आईचा सत्कार होणं सर्वात मोठं आहे। म्हणून ज्या दिवशी मी 8 जुलैला शपथ घेतली, त्यावेळेस टाइम्स ऑफ इंडियानं मला इंटरव्ह्यू विचारले की तुमचा आयडॉल कोण आहे, तर म्हणलं माझा आयडॉल ते खाली बसलेलं माझी आई होती तिथं, आणि आईचीच इंटरव्ह्यू टाइम्स ऑफ इंडियानं आली। आईची इंटरव्ह्यू वाचल्यानंतर मोदी साहेबांनी मला फोन केला की म्हणले आपकी माँ को मुझे मिलना है। इस विशेष अवसर पर गीत संगीत के आयोजन ने महफिल में 4 चांद लगाने का काम किया। ये आयोजन कवि प्रशांत माने के लिए भी विशेष रहा। सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन घर की जो माता है, हमें पालते हैं, पोसते, बड़ा करते हैं, वो कहीं कोने में पड़ी है, तो उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। इस वजह से आई एक महाकाव्य इस थीम को लेके आज का ये संपन्न 16वां जो हृदय परिवर्तन करने वाला है, जो समाज में हलचल मची है, चल रही है, और सारी लोगों की मन की अवस्था देख के मन को जोड़ने वाला है, इसलिए माँ का वो ये महाकाव्य यहाँ पे सादर किया गया।
माँ से ही दुनिया है ये हर कोई जानता है, मगर राजनीतिक गलियारों में इस तरह के आयोजन से यही सबक मिलता है कि जिस माँ से उसकी औलाद का वजूद बनता है उसके सम्मान से बड़ा किसी और का सम्मान नहीं हो सकता। भगवान के बाद अगर जुबान पर सबसे जो पहले नाम आता है वो माँ का होता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की बात करें तो उनका जो संघर्ष है, उनका जो योगदान है, उसको देखते हुए उनकी पार्टी के लोगों ने या इस समाज के लोगों ने समय समय पर उनका सम्मान किया है, लेकिन उनकी माता श्री को आज सम्मानित किया गया है जिनका नाम हौसाबाई है। और जाहिर तौर पर एक माँ का जो जज्बा होता है उसको आज महसूस किया रामदास अठावले ने, और आज उन्होंने साफ साफ कहा कि आज जो कुछ भी है वो सिर्फ अपनी माँ की बदौलत। तो कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अगर कोई सफल होता है तो उसके पीछे जो शक्ति होती है वो माँ की होती है। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।